सबूत धोखा है फवाद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि शरीफ खानदान के जमा कराए गए सबूत धोखे के सिवा कुछ नहीं, मनी ट्रेल पेश करने में भी नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान के इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि दुबई में बेची गई मिल से हासिल रकम का मनी ट्रेल नहीं, नवाज शरीफ को तोहफे में दिए गए 81 करोड़ का हिसाब होना जरूरी है। 81 करोड़ रूपए पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होकर लंदन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पनामा केस सियासी केस है, इसका ताल्लुक 20 करोड़ आवाम से है, दलाइल सारे मौजूद हैं, फैसला आना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2011 में इस हकदार के बयान हल्फी को रद्द किया गया, इस हकदार के बयान हल्फी में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा नईमुल हक का कहना था कि पनामा केस बुनियादी तौर पर एक सियासी केस है, जबकि इस केस की बड़ी तारीखी अहमियत है। कौम को पनामा के हवाले से सच बताना चाहिए, नवाज शरीफ का आईनी हक नहीं रहा कि वो वज़ीर आज़म रहे। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा नईमुल हक का कहना था कि ये तलब का फैसला होगा कि वज़ीर आज़म को तलब किया जाए या नहीं। वज़ीर आज़म की साहबजादी का जवाब आ चुका है, हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया का जवाब भी आए। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा नईमुल हक का मजीद कहना था कि पनामा केस खत्म होने से तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ तहरीक खत्म नहीं होगी।